नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एगोन गेमिंग में। तो आरडीए 2 के लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा ही था कि यहाँ पर हम चाहते हैं लास्ट वाले एपिसोड में मेयर की पार्टी में, क्योंकि मेयर जो है पूरे की पूरी सेंट इनायस टाउन में काफ़ी बड़ी पार्टी दे रहा है सारे के सारे लोगों के लिए। तो जो ब्रॉन्टे है वो हमें इन्विटेशन दे देता है वहाँ पर आने के लिए, तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर ना हम कुछ चीज़ों का पता लगा लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमें रॉबरी वगैरह करनी है उसका पता लगा लेते हैं। उसके बाद जाते हैं हम ट्रिलोनी के पास, और वहाँ पर जाने के बाद हम बड़ी सी शिप में जाते हैं जहाँ पर कि पोकर की चैंपियनशिप हो रही होती है, यानी कि सट्टे की चैंपियनशिप। तो वहां पर हम जाके उस चैंपियनशिप को जो है जीत लेते हैं और वहां पे काफी सारे लोगों को जो है मार देते हैं। वहां से जो है टोटल हमें टोटल जो अर्निंग होती है वो $6,000 की होती है, क्योंकि वहां पे एक तिजोरी भी होती है। उस तिजोरी को जो है हम लूट लेते हैं, और वहां पे एक स्मार्ट वॉच भी होती है। स्मार्ट वॉच तो नहीं, एक सिल्वर वॉच होती है, उसको जो है हम ले लेते हैं, और उससे जो है हमारी काफी ज्यादा आमदनी जो है हो जाती है। तो आज से जो है हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं, अभी जो है मैं सेंट इनायस में खड़ा हुआ हूं, और यहां पर ना जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं आंधी टाइप की लग रही है। और यहाँ पर ना ढेर सारे जो बंदे हैं ये भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो खैर फिलहाल के लिए तो मुझे जो है अपने घोड़े को यहाँ पे बुला लेना चाहिए। तो मेरा जो घोड़ा है वो मेरे हिसाब से आगे की तरफ मिलने वाला है। ऑलराइट, ये रहा, फटाफट इसके ऊपर जो है बैठ जाता हूँ। और अभी जो है मुझे यहाँ पर जाना है मैरी बेथ के पास, क्योंकि जो मैरी बेथ है ना उससे जो है मुझे थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, क्योंकि उसने मुझसे बोला हुआ था कि उसे जो है मुझसे कोई बातचीत वगैरह करनी है, और मेरे पास उस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस चक्कर में मैं जो है उससे बात नहीं कर पाया था। इसी चक्कर में अभी जो है मैं उसके पास चल लेता हूँ फटाफट से। वैसे ना मुझे जाना था पीछे की तरफ से चाहिए था, बट अभी जो है मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ बड़ी आसानी से। ऑल राइट, यहाँ पर ढेर सारी जो वैगन वगैरह है ना ये यहाँ पे जाती रहती है, तो जल्दी से जल्दी मैं अपने जो है टाउन में पहुँच जाता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे जंगलों से होते हुए मैं पहुँच चुका हूँ अपने वाले टाउन के पास। और अभी ना मैं अपने घोड़े को शायद से यहाँ पे अंदर की तरफ लेकर नहीं जा सकता हूँ, बट जहाँ तक लेके जा सकता हूँ वहाँ तक चल लेता हूँ आराम आराम से। वैसे ना मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, पता नहीं सबके सब कहाँ पर चले गए। एक सेकेंड, सामने की तरफ है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा धुंध है क्योंकि यहाँ पे सुबह का टाइम है इसी वजह से। ऑल राइट, तो अभी जो है मुझे यहाँ से पैदल ही पैदल जाना पड़ेगा, और जो मैरी बेथ है वो शायद से मुझे सामने वाले उसके अंदर जो है मिलने वाली है। ऑल राइट, तो जॉन वगैरह जो है यहाँ पे काम वगैरह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जस्ट अभी हम अभी अभी आए हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसी चक्कर में। ऑल राइट, जो मैरी बेथ है किधर है? ये रही मैरी बेथ, फटाफट से इससे जो है बात कर लेता हूँ। It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है कुछ ब्रदर्स वगैरह यहाँ पर हमारी कबीले की लड़की को, यानी कि वुमेन को जो है उठा के ले गए हैं शायद से। तो अभी जो है हमें वहीं पर जाना है, और अभी ना हमें लाइक रेडली हाउस में जाना है। तो फटाफट से मैं जो है इन आंटी जी के साथ, यानी कि सुसन के साथ बैठकर चला जाता हूँ उसके रेडली के हाउस में। पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वो तो जो है वहाँ पर देख कर ही पता चलने वाला है। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? ऑलरेडी जा किधर रहा है? एक सेकेंड, ठीक है। Have you seen that boy Kieran since the party for Jack? Okay, I think that's the place up ahead. All right, तो शायद से मैं जो है घर पर तो आ चुका हूँ, और ये बाहर की तरफ भी कोई बैठा हुआ है। फटाफट जैसे जो है बातचीत कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे जो अपनी गन है ना ये यहाँ पर निकाल लेनी चाहिए। All right. Oh, I see that kindly face of yours.
मैं तो बात करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये जो सुसन है यही बात करेगी यहाँ पे। Now get out of here. Oh, now you keep saying that. You don't mean nothing by it. I said. All right. तो इसने जो है इसको मार दिया है। What are you waiting for? Get in there and find our girl. ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इस तरीके से मारेगी, वो भी चाकू से, और अभी इसको लूटने वाली है। ऑल राइट, लूट भी लिया इसको, बढ़िया। मुझे आराम आराम तो चलना चाहिए, मैंने इसको धक्का मार दिया, ये ना मुझे ही ना मार दे। ऑल राइट, क्या करना है, खोलूँ क्या इसको? ठीक है, तो उन्होंने ना उसको किडनैप कर लिया है, तो मुझे अभी आगे की तरफ जाना चाहिए, इस गेट को मुझे ही खोलना पड़ेगा। ऑल राइट, मैं इसको सोच रहा हूँ कि लात मार के खोलूँ, अगर लॉक ना लगा हो तो खुल जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, एक सेकेंड, ये ले, बाहर निकल, इसकी तो निकल इधर से, गया। यहाँ पे काफ़ी सारे गेट हैं, एक सेकेंड, ये रही शायद, ये हमारी बंदी है क्या तेरी, तो निकल। ऑल राइट, इसको जो है मैं छुड़ा देता हूँ। पता नहीं इन्होंने इसको क्यों किडनैप कर लिया, इसका पूरा चेहरा भी काला कर दिया है। Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. They were following him, I think. Well, we killed those fellas there. All right. ठीक है, तो ये जो है यहाँ से भाग रहे हैं। All right. ठीक है, तो अभी जो है हमें उन लोगों को मारना पड़ेगा, तो फटाफट से यहाँ पे आगे की तरफ चल लेता हूँ मैं, ये बचेंगे नहीं मुझसे। और मुझे एक नया घोड़ा भी मिला हुआ है, किधर है ये लोग, सामने की तरफ गए हुए हैं। ऑल राइट, मेरे पास भी गन है, मैं निकाल लेता हूँ। ऑल राइट, ये रहा, इसकी तो निकल इधर से, निकल। ठीक है, एक तो गया, मैंने कम से कम एक को तो मार दिया है, अभी बाकियों को भी जो है मार दूंगा मैं। ऑल राइट, मर क्यों नहीं रहा, ठीक है, गया, अभी भी नहीं गया, क्या खाया भाई, अब तो गया ना कम से कम। ऑल राइट, तो अभी ये जो लास्ट वन बचा हुआ है इसको तो हेडशॉट मारूंगा मैं, ये ले, गया। अभी ये जो है इस गैंग का लीडर है, सबसे पहले तो जो है मैं इसको जो है लाइक रस्सी से बांध देता हूँ। ऑल राइट, आ जाए इधर, एक सेकंड, बच गया ये। ऑल राइट, लेकिन मैंने इसको फिर तो छोड़ दिया, एक और बार उसको उठने का मौका देता हूँ, भाग जा, अभी भी नहीं भागेगा। ठीक है, आ जा। ऑल राइट, फिर से पकड़ लिया मैंने इसको, अभी जो है इसको मैं खींच लेता हूँ, किधर जाएगा, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, इसको जो है पीछे लेके आता हूँ, ऐसे ही मज़ा आ रहा है मुझे इसको ऐसे खींचने में। ऑल राइट, अभी मेरे हिसाब से मुझे जो है इसको लाइक उठा लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो पैर है ये तो बन चुके हैं ऑलरेडी। ऑल राइट, हाथ बांध देता हूँ इसके, अभी सही है, यहाँ पे बारिश भी होने वाली है और स्टार्ट भी हो चुकी है। ऑल राइट, ठीक है, तो ये जो है उसी लड़की के पास जा चुकी है, और मुझे जो है इसको लाइक सबसे पहले तो इसके ऊपर टांग देना होगा। ये घोड़ा जो है किसी नई नस्ल का लग रहा है, क्योंकि इससे पहले ये घोड़ा नहीं देखा मैंने अभी तक। इसका नाम एंथनी फोरमैन है, और ये वाला जो घोड़ा है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे वाले घोड़े से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मारना चाहिए इसको, ये ले, पार पिटेगा क्या? Tell me nothing. This rope is cutting into me.
don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. ठीक है, तो शायद से इसने ना, मतलब जो लड़की है ना, इसने इसके एंथनी के लाइक भाई को मार दिया, कजन को. ऑल राइट ऑल राइट, तो यहाँ पर सुशानी इससे निपटने वाली है. निकल इधर से घोड़े. ऑल राइट सो ही स्टिल अलाइव देन. यस यू सी दिस गर्ल. Leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ate yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur. All right. I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone. Now you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. All right. तो ये मान गया कि ये जो ऐसा अकेला छोड़ देगा. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. All Go right. on. तो मेरे हिसाब से मुझे जो इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं इसको मारना नहीं चाहता, क्योंकि सुशन कह तो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता इसको मैं मारूं. जाने देता हूं. Let's get you home. All right. बारिश भी जो है लगभग लगभग बंद हो चुकी है, और सुशन जो है उसके साथ चाह चुकी है, और मेरा जो घोड़ा है वो तो मुझे यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो मुझे जो है अभी इसी वाले घोड़े से निकलना पड़ेगा, यानी कि काम भी चलाना पड़ेगा इसी से. ठीक है, और अभी मेरे हिसाब से मुझे ना फिलहाल के लिए जो है चल लेना चाहिए अपने टाउन में. ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ अपने वाले टाउन में, और ना यहाँ पर मैं अपने वाले लाइक रास्ते से नहीं आया था, मैं यहाँ पे शॉर्टकट से आ गया और मैं फटाफट से यहाँ पर पहुँच भी गया. ऑल राइट, और मेरे हिसाब से ना मेरे लिए यहाँ पर कोई लेटर वगैरह आया हुआ है, तो ज़रा मुझे ऊपर की तरफ चल कर देखना चाहिए. ऑल राइट, लाइक लास्ट टाइम तो ना एक मैं परेशान हो गई था देखते देखते, बट मुझे जो है अपना जो कमरा है वो नहीं मिला था, क्योंकि हर बार जो है मेरा जो कमरा होता है ना वो लाइक अंदर नहीं होता, बाहर की तरफ ही होता है, मैं बाहर की तरफ ही सो जाता हूँ. बट ये वाले जब से घर में हम आए ना, तो मेरा जो घर है वो एकदम, मतलब मेरा जो कमरा है वो एकदम सेपरेट बन चुका है, और एकदम मेरा जो कमरा है वो है लाइक जॉन के कमरे के जस्ट बगल में. तो फटाफट से अपने वाले कमरे में मैं पहुँच जाता हूँ, और अपना जो ये जो लेटर आया ना इसको जाके मैं पढ़ लेता हूँ. पता नहीं इस लेटर में क्या होगा, या फिर ये जो लेटर है किसके लिए आया होगा. और रेडी है, तो मेरा कमरा नहीं है, ये भी नहीं है, मैं फिर से भूल गया क्या मेरा कमरा. एक सेकंड, शायद से ये वाला हो सकता है. ऑल राइट, ठीक है, तो यही है मेरा कमरा, और मेरे लिए लेटर रखा हुआ है, ये रहा मेरा लेटर. फटाफट से इसको जो है पढ़ लेता हूँ, पता नहीं किसका होगा. माय डियर आर्थर, एक सेकंड, मैरी का लेटर है. लेटर फाइंड्स यू वेल. आई वांटेड टू थैंक यू फॉर योर हेल्प विद जेमी. ही एंड डैडी आर स्टिल आर्ग्यूइंग, बट I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Oh, Arthur, I have made such a mess of my life time and again. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Life is very confusing. And I see now that I am not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault, but I need your help. I'm staying at the Hotel Grand in Saint Denis. Oh, Arthur, I know it is wrong to ask you, but I have nobody else. And for what we once had together, I beg of you, even though I am ashamed to do so. Yours, Mary. All right, तो यहाँ पर ये जो मैरी है इसने जो है हमें बुलाया है एक जगह पर. अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो मैरी है इसको पता कैसे चल जाता है कि मैं आखिर में कहाँ पर हूँ. लाइक जब मैं अपने वाले हॉट शू ओवर लुक में था तब उसे पता चल गया था, और उसने मुझे जो है वैलेंटाइन में बुला लिया था, और अभी जो है मैं यहाँ पे हूँ इस वाले टाउन में सेंट डिनाइस, तो उसे पता चल चुका है कि मैं जो है सेंट डिनाइस के आसपास ही हूँ, और वो जो है मुझे यहाँ पे फिर से बुला रही है. अब अगर वो बुला रही है तो मैं जो है उसे मना नहीं कर सकता हूँ. लास्ट टाइम तो जो है मैंने उसके भाई को लाइक बचा लिया था,
और उसके लिए वो जो है उसने मुझे थैंक यू भी बोल दिया, लाइक लास्ट टाइम भी बोल दिया था जाने से पहले, ट्रेन में बैठने से पहले, बट उसने जो है फिर से जो है मुझे थैंक यू बोल दिया। तो मेरे हिसाब से अगर उसे मेरी ज़रूरत है या फिर उससे थोड़ा कुछ काम वगैरह है तो मेरे हिसाब से मुझे जो है उसके पास चले जाना चाहिए। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इस घोड़े को जाके ना स्टेबल में भेज दूंगा सेंट एनाइस के अंदर ही, और वहाँ पर जाकर अपने लिए एक बढ़िया सा नया सा जो घोड़ा है वो भी यहाँ पर ले लूँगा। ऑल राइट, वैसे इस वाले घोड़े के साथ मेरी अच्छी खासी जो बॉन्डिंग है वो तो फिलहाल नहीं हुई है, बट फिर भी मैं जो है अभी इससे काम चला लूँगा। ऑल राइट, तो फटाफट से यहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ मैरी के पास, यानी कि सेंट डेनाइस के टाउन में। ऑल राइट, तो फिर से जो है मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और फिलहाल के लिए यहाँ पर ये जो घोड़ा है ये भी मेरी इसके साथ जो है बॉन्डिंग थोड़ी बहुत अच्छी तो हो चुकी है, और अभी जो है मैं फटाफट से जो है मैरी के पास पहुँच जाता हूँ। मतलब ना यहाँ पर सेंट डेनाइस के, अगर मैं कहीं दूर भी होता ना तो मुझे पता चल जाता है कि जो सेंट डेनाइस है वो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैक्ट्री है ना, इन फैक्ट्रियों के से जो पाइप है वहाँ से जो है इतना सारा धुआं निकलने लगता है कि वो जो धुआं है काफ़ी ज़्यादा दूर से भी आराम से जो है दिखाई पड़ जाता है। और यहाँ पे पता नहीं इतनी सारी फैक्ट्री है, मुझे तो ये पता नहीं है किस किस चीज़ की फैक्ट्री है। मतलब यहाँ पे शायद टायर वगैरह बनते होंगे या फिर कुछ और बनता होगा घोड़ों के लिए, क्योंकि टायर वगैरह बना के क्या करेंगे, ये गाड़ी तो फिलहाल है नहीं है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे जो ये वाले जो टायर है ना, इसके बग्घी के टायर शायद ये भी यहाँ पे बनते होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं। अगर आपको पता हो तो ज़रा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पर जो है मैं मैरी के पास पहुँचने वाला हूँ, बस सामने की तरफ ही वो इस वाले होटल में रुकी होगी, तो मुझे जो अपना घोड़ा है ना ये यहीं पर जो है पार्क कर देना होगा। एक सेकेंड, ये क्या हुआ अचानक से? मैं इतनी बुरी तरीके से कैसे गिर सकता हूँ यार? और यहाँ पे खून भी गिरा हुआ है, मतलब मेरे घोड़े को बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी। लेकिन वो है क्या, वो रहा है सामने के साइड, जल्दी आ इधर। क्या गिरा हूँ मैं, किस वजह से गिरा हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा, शायद से इनकी वजह से गिर गया हो सकता हूँ। ऑल राइट, फटाफट इसके ऊपर बैठ जाता हूँ मैं। ऑल राइट, अभी जो है मुझे थोड़ा आराम आ रहा तो चल लेना होगा, शायद से घोड़े का जो है पैर भी फिसल सकता है क्योंकि यहाँ पे पत्थर है, पत्थरों की जो लाइक ग्राउंड है वो बना हुआ है। ऑल राइट, किधर है ये? एक सेकेंड, वो रही ऊपर। So, what do you need? Wait there. I'm coming straight down. All right, तो ये पीछे की तरफ ये क्या मेरा शकल दिख रहा है मेरी? ये अपने दांत साफ कर रहा है। Arthur. Hello, Mary. You came. Sure. Whenever you call for me, I'll come. Oh, Arthur. What's wrong? Daddy. Your father? I'm a bigger fool than I even thought. इसको अपने पिताजी से कुछ प्रॉब्लम है। I'm begging you, Arthur. I know Daddy was not kind to you, but surely you cannot hate a man for the sin of loving his daughter and wanting better for her than me? All right. Than the choices you what make. What choice did I have? Did I ever have? Oh, I know. You had to live by your code. But your code is... Well, it's not right. Has your way been right, Mary? With you? And Jamie joining a bunch of crazies? And hypocritical daddy with his drinking and whoring and gambling? Huh? Is that what a pure life has gotten you? Begging me for help? Oh, Arthur. Be kind to me. Please. आर्थर जो है इसके पिताजी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, इतना तो पता चल चुका है, और ये जो इसकी हेल्प नहीं करना चाहता शायद, लेकिन वो करना तो पड़ेगा इसको। I should have asked someone else, but I'm the best guy you know at frightening decent people. It wasn't that I didn't love you, Arthur. You know that. Oh, Arthur. We were so very young. Think how different life could have been. Yeah, I think about it a lot. It all seems so long ago and far away now. Will you help me try to save Daddy? ऑल राइट, तो मेरे हिसाब से मुझे जो है इस मैरी की जो हेल्प जो है कर देनी चाहिए प्लीज, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्लीज प्लीज बोल रही है। ऑल राइट, तो कर ही देता हूं। Come along, then. Where are we going? What's the old lovable patriarch been up to now? Oh, Arthur, you know sarcasm is beneath you. He's been
gambling and drinking and other things. Oh, the filthy rotter. Where can we find him? He said he was going down to the Theodore Eckhart stables. All right, तो ये भी ना स्टेबल्स के पास जा रहा है और मेरा भी वहाँ काम हो जाएगा क्योंकि मुझे भी जो अपना घोड़ा है वो यहाँ पे चेंज करना है यानी कि नया घोड़ा लेना है अपने लिए. Ass, Arthur. It doesn't suit you. Oh, should I leave that to Daddy? Leave Daddy alone. He suffers enough. Well, I suppose I can take some consolation in that. Oh, Arthur, I should have ran away with you years ago. Well, you wouldn't. No, I didn't. But, well. I don't know. All right. तो ये जो है शायद मेरे साथ मेरे घोड़े पे जाने वाली है क्या? एक सेकंड, ने मेरा घोड़ा किधर से आया? नहीं. So what do you think he's up to? ये मेरा घोड़ा है ना? All right, चलो आ गया तो अच्छी बात है. वैसे है तो मेरा घोड़ा, वाला घोड़ा जो है शायद चला गया होगा. तो फिलहाल जो इसी के साथ काम चला लूंगा. शायद से वो आगे की तरफ खड़ा हुआ है. खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा घोड़ा तो मेरे साथ चलने वाला ही है. All right, तो फटाफट से जो है इसके डैडी को जो है ढूंढने के लिए मैं चल लेता हूँ. यहाँ पे काफी ज्यादा जो ओस है वो यहाँ पे हो रखी है, लेकिन फिर भी मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. Arthur, he wasn't always this way, but it has got worse. He's drinking and gambling more than ever. All right, तो ये ना इसलिए परेशान है क्योंकि इसको जो डैडी है ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, गैम्बलिंग भी कर रहे हैं. और लाइट तो यही है क्या? नहीं, ये तो साफ सफाई करने वाला है. और इसके जो डैडी है वो तो बूढ़े हो गए चुके होंगे अब तक. तो अभी जो है अंदर की तरफ चल लेता हूँ मैं इसी के साथ, क्योंकि इसको पता है इसके डैडी जो है किधर है. और इसने बताया था कि वो जो स्टेबल्स में है, तो मुझे जो स्टेबल्स टाइप का ही लग रहा है. All right, तो ये जो है अंदर की तरफ जाके बातचीत करने वाली है. ठीक है. All right. You can't stand there. क्या बाहर? What, in the street? Yes, in the street. Is it your street? Just get out of here. Why? I said. All right. Just get out of here. ठीक है. Listen, partner. तो ये मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहा था. अब नहीं बोलेगा लेकिन. Fine lady. It's just gone inside. If I wasn't waiting on this lady, you'd be dead already. But if you continue to irritate me, I'll kill you. And make my apologies to the lady. It's your call. Oh, I didn't mean nothing. I've never been so demeaned in my life. Apology accepted. Oh, wait, right there. I have All right. half a mind to kill you myself. Daddy. Daddy. No. Oh, Daddy, please, come home. You're tired, Daddy, tired. I have no rest thing. You get away from me. You head home. I insist upon it. Leave me be. Damn nuisance. Excuse me, partner. Still as charming as ever, I see. Oh, All Arthur, right. He's up to no good. We better follow him. Okay. ठीक है, तो मुझे जो है अभी इसके साथ जो है मिस्टर गिल्स को फॉलो करना है. यानी कि मिस्टर गिल जो है इसके पिताजी का नाम है और मुझे जो है इसके पिताजी के साथ थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी होगी, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने उस वेटर के साथ रखी हुई थी लास्ट वाले एपिसोड में. ऑल राइट, आराम आराम से जाऊँगा तो ये जो है मुझे पहचानेंगे तो नहीं मेरे हिसाब से. ऑल राइट, ठीक है, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी आगे की तरफ चल लेना चाहिए. ये जा किधर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पर भी जा रहे हैं पीछा तो करना ही होगा ना. ऑल राइट, ठीक है, फिलहाल मैं जो है अपना मुंह जो है साइड कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये धुंध में दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे ठीक से. एक सेकेंड, इन्हें क्या वॉमिटिंग हो रही है क्या? ऑल राइट, अभी शायद से आगे की तरफ जाएंगे. मेरे हिसाब से इनकी जो तबीयत है ख़राब है. ऑल राइट, गए किधर ये? एक सेकेंड, ये तो गायब ही हो गए. इसके अंदर की तरफ चले गए क्या? ऑल राइट, एक सेकेंड, I'll wipe that goddamn smirk clean off your face.
एक सेकंड, ये जो है किसी बड़े आदमी से बात कर रहा है, मेरे हिसाब से पिटने वाला है ये इसके पिताजी। ऑल राइट, तो अभी और आगे की तरफ जाना होगा इनका पीछा करते करते। ऑल राइट ठीक है, तो अभी जल्दी से फटाफट से दौड़ के चले जाना चाहिए। किधर चले गए ये? Say I never show you a good time. I'm just glad you're here. अभी जो है मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आगे की तरफ जाएंगी ना वैसे ही जो है मैं इनका पीछा करना फिर से स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैरी किधर गई? ये रही। ऑल राइट, तो ये काफ़ी हद आगे की तरफ जा चुके हैं, तो अभी जो है मुझे इनका पीछा फिर से कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से इनको पता चल गया होगा कि हम लोग जो है इनका पीछा कर रहे हैं। ऑल राइट, ये क्या कर रहे हैं? पैसे गिन रहे क्या? He's either waiting for a woman of dubious morals or he's trying to sell something. So, Ashton, you got the money? Second. Seems he's selling something. Have you got the brooch, Mr. Gillis? Yes. Here. तो यहाँ पर किसी टाइप का ब्रोच जो है बेचने आया है। That is beautiful. It's a family heirloom. That was mother's brooch. Not any longer, Mr. Gillis. Enjoy the money. And should you need any more? तो ये जो ब्रोच है वो शायद से मैरी की मॉम का है, मतलब की मॉम का है। No, thank you. I've heard what happens to folks who take. और ये जो इसने बेच दिया है। It's not even a sell. It's just a brooch. At least he didn't get himself killed. You don't understand. Mother left it to me. You sold my mother's brooch? How could you? You. All right. That's theft. Oh, speaking of thieves, I see you found your outlaw again. Hello, sir. Have you been well? Daddy, how could you? Mary, wait here. I'll go get the brooch. Don't hurt anyone, Arthur. ठीक है, तो मुझे जो है अभी उसके माँ का जो ब्रोच है वो लेकर आना है, तो उसके पहले ना मुझे इसको पहले पकड़ना होगा। ये किधर गया है? ऑल राइट, ये जो है इस साइड में गया क्या? ऑल राइट, तो वो जो है शायद से यहाँ पे भाग रहा है क्या? एक सेकेंड, ये जो है किसी वैगन में बैठ चुका है। ऑल राइट, और मेरा जो घोड़ा है वो तो इधर नहीं है, तो सबसे पहले तो जो है मुझे अपने घोड़े के पास जाना होगा। पता नहीं मेरा जो घोड़ा है वो किधर से आएगा, अभी यहीं से चल लेता हूँ मैं। है किधर मेरा घोड़ा? ऑल राइट, वो मुझे जो है आगे की तरफ मिल जाएगा। ऑल राइट, ये रहा। फटाफट इसके ऊपर बैठ के उस वैगन का जो है पीछा करता हूँ मैं। ऑल राइट, जिससे पहले कि वो निकल ना जाए। ठीक है, जल्दी 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 चल, जल्दी चल, जल्दी चल। ऑल राइट, ऑल राइट, बस बस बस, एक सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, शिट। अरे यार, जल्दी उठ जा, उठ जा मेरे घोड़े, उठ जा, जल्दी उठ जा, वो भाग ना जाए मेरे हाथों से। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। फाइनली जो है मैं घोड़े के ऊपर तो बैठ चुका हूँ, अभी ये जो है मुझे इसका पीछा करना है। पता नहीं किधर की तरफ जा गया होगा, सामने की तरफ है क्या ये? इसकी मुझे वैगन तो दिखाई दे रही है, तो शायद से यही है। ऑल राइट, वो रहा। अभी मुझे जो है इसका पीछा करना है, और फटाफट से उससे जो है मुझे ब्रॉन्ज जो है वो ले लेना है मैरी की मॉम का। और मेरा जो घोड़ा है, यानी कि ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब उससे फास्ट नहीं है लेकिन फिर भी काम चला हुआ है। इसका जो स्टैमिना है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये इतनी जल्दी तो जो है थकने वाला नहीं है, इतना तो पक्का है। ऑल राइट, तो मैं जो है इसका आराम से काफ़ी दूर तक जो है पीछा कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, इसके ड्राइवर को मारने की कोशिश करता हूँ। ऑल राइट, एक सेकेंड, इसके ड्राइवर को भी जो है पड़ने वाली नहीं है इतनी आसानी से। इसके टायर पर मारूँ क्या मैं? एक सेकेंड, मुझे जो है इसके पे ना जंप कर लेता हूँ। ऑल राइट, 1 2 3 गो। अबे ये क्या हुआ? शिट 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 शिट, अभी जो है मुझे फिर से इसके बगल में जाना होगा। ऑल राइट, और उसके बाद जाके मैं जो है इस पर जंप कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है। ऑल राइट, फाइनली जो है मैंने जंप तो कर दिया है, अभी बताता हूँ मैं इन दोनों लोगों को। बाहर निकल, निकल बाहर। आप किधर जाएगा? एक सेकेंड, ये तो यहाँ से निकल चुका है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद एक सेकेंड, ये इसी के अंदर बैठा हुआ है। ऑल राइट, अभी सही है। अगर मैं उसके ड्राइवर को मार भी देता ना तो मतलब नहीं था, क्योंकि मैं तो उसको मार ही नहीं पाता, क्योंकि तो अंदर की तरफ बैठा हुआ था। अभी जो है मैं इसको लेकर चलता हूँ एक बढ़िया से नए वाले स्पॉट पे। वैसे इसमें चार चार घोड़े लगे हैं क्या? ऑल राइट, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, अभी सही है। अभी इसको निकालता हूँ मैं बाहर की तरफ, और इसको जो है मुझे धमकाना पड़ेगा, इतना तो पक्का है।
और मैं यहाँ पे साइड में इसलिए आ गया जिससे कि कोई मुझे जो है यहाँ पे देख ना पाए कि मैं जो है इसको धमकाने में लगा हुआ हूँ। It wasn't Gillis's to sell. All right. I bought it fair and square. How much do you want for it? I guess I could give it to you for $100. जल्दी दे। एक काम करना पड़ेगा मुझे जो है इसे परचेज करना पड़ेगा ब्रॉच क्योंकि मैं इसे मारना नहीं चाहता क्योंकि अगर मार दूंगा तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। All right. Here. तो मैंने जो है इसको पैसे दे देने हैं और ये जो है मुझे ब्रॉच दे देगा। All right. अभी सही है। इसकी तो बताता हूँ तुझे। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू? निकल इधर से, निकल। बहुत ज़्यादा बोल रहा था। अभी मुझे अपने घोड़े को बुला लेना होगा। किधर है? वैसे होना तो इधर ही चाहिए। और मैं पानी के अंदर फालतू में आ गया क्योंकि इस पानी के अंदर जो क्रोकोडाइल है वो यहाँ पे घूमते रहते हैं। फटाफट से जो है अभी मुझे मैरी के पास वापस से चले जाना होगा, मैरी के पास और मैरी जी के पिताजी के पास फटाफट से। तो जो सैंडेनाइस है वो ज़्यादा दूर तो जो है छूटा नहीं था, उसमें तो मैं हल्के हल पहुँच जाऊँगा सैंडेनाइस पे। ऑल राइट, तो शायद मैं लगभग आ भी चुका हूँ क्योंकि ये जो सैंडेनाइस की जो बाउंड्री लग रही है मुझे। ऑल राइट, अभी जो है मुझे सेंटिनाइस के अंदर तो आ चुका हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे जो मैरी है और उसके जो पिताजी हैं उनको भी यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। ऑल राइट, ये रही मैरी, इसके पिताजी भी आसपास ही होंगे या फिर वो जो है ऐसे भाग गए होंगे छोड़ के। ठीक है, तो वो जो ऐसे छोड़ के भाग गए। थैंक यू। Got you your brooch back. I won't ask. ठीक है, तो शायद से खुश हो जाएगी अभी। Probably best not. Hey, what are you doing now, right this moment? Why'd you ask? Well, I was wondering if you wanted to do something. ये काफी उठपटांग से सवाल पूछ रही है मुझसे। Head to the theater, perhaps. ठीक है, तो मुझे चले जाना चाहिए। मुझे लगा ये किसी को थ्रेटन करने के बारे में बात कर रही है। मैंने गलती से यार मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, मैं ना नो कर देता। लेकिन ठीक है, काफी दिनों से जो है मूवी वगैरह भी नहीं देखी थी किसी थिएटर में। वैसे मुझे पता तो नहीं है थिएटर में मूवी चलती भी होगी इस टाइम पे क्योंकि 18 का टाइम होगा। You ain't always fair with me. If I was fair with you and a good person, I'd have had you hanged a long time ago. Well, that's true. So, shut up and act like a gentleman, or at least try to for once in your brainless life. You're not a very nice woman, Mrs. Lynn. Well, look at the company I keep. I know, all it's right, quite yahan dreadful. Pe theater hai aur yahan pe movie bhi lagte hain. Chalo, kaun si movie lagi hai? Kisi magic karke koi movie lagi hai. Sort of beautiful. झूमर तो काफी मस्त है। Tasteless way. It's the only way I know. Thank you. Oh, no, I didn't mean it like that. I'm sure. You silly man. Come on. Let's go find our seats. All right, तो जो टिकट है वो तो मैंने परचेस कर लिए हैं। दो टिकट। और अभी यहाँ पे जो थिएटर है After you. यहाँ पे मूवी तो अभी चालू नहीं हुई है बट थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। मेरे हिसाब से थिएटर में वैसी वाली मूवी नहीं चलती होगी, थोड़ा सर्कस टाइप का दिखा देंगे ये लोग, लाइक कोई ड्रामा होता है ना उस टाइप का। लेकिन पता नहीं अभी, कुछ पर्दा खुलेगी तो कुछ पता चलेगा। ठीक है, चल के नहीं रहा यार। ऑल राइट, चालू हो चुका है। मैं सोच ही रहा था यहाँ पे कोई मैजिक शो है, मतलब थिएटर में मूवी वाला थिएटर नहीं है। The greatest assembler of entertainment since Nero himself. Do not doubt. As a child, when I walked the horse manure covered streets of Saint-Denis, I never dreamed of the stir I would create in this locality as a proprietor of the greatest show. यहाँ पे अकेला सिर्फ मैं ही चीयर करने में लगा हूँ इसको, कोई तो चीयर कर ही नहीं रहा इसको। The grandest excitement of your curiosity. Fire, snakes, and magic. I encourage any of you to dabble in all three
if you have a settled aversion to manual labor as I do. For entertainment is a gift that will see you through the winter better than any packed larder or root cellar full of canned goods. Now, ladies and gentlemen, please welcome a truly तो इसके ऊपर जो लाइट है वो सामने की तरफ से बढ़ रही है. मुझे लगा कि वहां से जो है लाइक कोई कुछ रखा होगा प्रोजेक्टर टाइप जो कि यहाँ पे मूवी वगैरह दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाइट के लिए है. ठीक है, तो यहाँ पर शायद से अंदर की तरफ जा चुका है, तो अभी जो शो है वो अभी चालू होगा, पर्दे जो हैं वो अभी खुलने वाले हैं. ऑल राइट, तो किसी का म्यूज़िक का कोई शो है. ऑल राइट, और जो सामने की तरफ जो लाइट लगी हुई है ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई, इस चक्कर में उनमें से धुआं निकलने में लगा हुआ है. तो जो गाना है वो तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है. अगर आपको पसंद आया तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए. वाह, सिटी भी बजा लेता है अपना आर्थर. मेरे हिसाब से मुझे जो है अभी थिएटर के बाहर की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि गाने वगैरह को मैं देखने नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर मूवी देखने आया था. Alright, you better take me to the trolley now, Mr. Morgan. Of course. Quite ridiculous, but shame we couldn't stay longer. Sorry. My life wasn't supposed to... Oh. Is it too late for us, Arthur? I can't lie to you. I'm a wanted man, Mary. If anyone close to me, well, they're wanted too, and I can't have you wrapped up in there. But it's coming to an end. This time it really is. Run away with me, Arthur. Run away right now and don't look back. I want to. More than anything, I want to. All right, तो ये मुझसे भागने के लिए बोल रही है, but जो Arthur है वो इसको लाइक सर भागना नहीं चाहता फिलहाल के लिए. Once they're free, then I'll इसको ना अपने लाइक गैंग के मेंबर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा. But Arthur, और ये अभी फ्री भी नहीं है क्योंकि इसे काफी काम है. Soon, I'll have some. I know you won't run away. But it's a pretty dream. All right, तो इसकी जो ट्रॉली है वो तो आ चुकी है. But I will once I get some money. I had some. Then some fool got it trapped into a town and I can't go back to. That's another story. I'll write you. Yeah. All right, तो यहाँ पर ये जो है फिर से जाने वाली है अपने भाई के पास मेरे हिसाब से, क्योंकि जो उसके पिताजी हैं वो तो नहीं आने वाले हैं. और आर्थर ने जो है इसके साथ जाने को भी मना कर दिया है, क्योंकि अभी इसके पास इतने पैसे नहीं है कि अभी ये जो है इसके साथ भाग पाए. ऊपर से इसके पास काफ़ी सारी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसके गैंग के मेंबर्स की. ऑल राइट, तो मेरा जो घोड़ा है वो किधर है भाई? होना तो वैसे इधर ही किधर चाहिए, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा है मुझे. एक सेकेंड, शायद से वो जो है मुझे आगे की तरफ मिल जाएगा. तो जल्दी से जाके अपने घोड़े के पास चला जाता हूँ. किधर है? इस साइड में होगा. इतनी दूर पता नहीं क्या कर रहा है ये. अभी मुझे पैदल पैदल जो इसके पास जाना पड़ेगा. ऑल राइट, किधर है? ये दिखाई भी नहीं दे रहा. शायद से ये जो है उसी स्टेबल के पास रुक गया होगा, क्योंकि वहीं पर जो है मैंने उसको छोड़ दिया था. ऑल राइट, ये आ गया मेरे पास मेरा घोड़ा. एक सेकंड, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग जो है मेरे पीछे पड़ चुके हैं. एक सेकेंड, नहीं मुझे जो है यहाँ से निकल लेना चाहिए. एक काम करता हूँ, मैं जो है यहाँ से निकल लेता हूँ. ऑल राइट, मुझे आगे निकलना है. फटाफट से जो है निकल लेता हूँ इन सबको मार के. और मेरे ऊपर जो है वांटेड लेवल लग चुका है, यानी कि मुझे जो है अभी फटाफट से निकल लेना चाहिए. ठीक है, और मैं अभी जाऊँगा कहाँ? एक काम करता हूँ, मैं जो है फटाफट से अपने वाले एरिया में चल लेता हूँ, अपने वाले कैंप में, क्योंकि वहाँ पर जो है मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता है. और मेरे खिलाफ़ जो क्राइम है वो रिपोर्ट भी कर दिया गया है, यानी कि अब जो है मेरे पीछे बड़े बड़े लोग पड़ने वाले हैं घोड़ों के साथ और बंदूकों के साथ, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है.
ऐसा तो मेरे साथ लाइक कई बार हुआ है और मैं जो है सबसे बच जाता हूँ। मुझे बस इस टाउन को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा और फिर जो है मेरे लिए वो इन्वेस्टिगेटिंग वगैरह नहीं करेंगे, मतलब मेरे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह, और फिर ये लोग जो है मुझे भूल जाएंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ क्राइम वगैरह किया था। बस मैंने किया तो क्या है, बस मैंने एक बंदे को जो है नीचे की तरफ तो गिरा दिया था, इसके अलावा तो मैंने वहाँ पर कुछ किया नहीं है। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए जो है मेरे ऊपर से जो क्राइम है वो तो हट चुका है। और अभी अगर मैं अपने कैंप के इतने पास आ चुका हूँ तो मैं फटाफट से अपने कैंप में ही चल लेता हूँ। वैसे बाहर की तरफ क्या करूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारे जो पिंकस्टर्स है वो यहाँ पे घूमते रहते हैं और कोई आके जो है मुझे लूट लेगा तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मेरे पास कम से कम 3,000 से 4,000 डॉलर्स हैं और वो भी चले जाएंगे, तो यहाँ पे मैं मैरी के साथ किस टाइप से भागूंगा। ऑलराइट, तो ये रहा मेरा कैंप आगे की तरफ, फटाफट से अपने घोड़े को जो है हिच कर देता हूँ। अरे शिट, मैं ना यहाँ पे स्टेबल में जाना भूल गया अपने लिए नया घोड़ा लेने के लिए। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला जो घोड़ा है ये भी काफ़ी सही है। और अभी जो है यहाँ पे उतर जाता हूँ। बढ़िया, वैसे मौसम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्त हो रहा है, बट यहाँ पे ना हमारे घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा कीचड़ भी। अब कीचड़ इसलिए हो गई ना क्योंकि जो पानी है ना वो यहाँ पे जस्ट अभी बंद हुआ है। तो आडिया टू के इस वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जो आडिया टू का एपिसोड है पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिए। और मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में यही ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर मुझे जो है मैरी के साथ भागना चाहिए या फिर नहीं भागना चाहिए, इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ आडिया टू के नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ ऐसी किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।